हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं तुम लोगों के साथ तीन ऐसे पॉइंटर्स डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि अगर मैंने शुरुआत से ये सब चीजों को ध्यान दिया रहता सो मैं काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ रहता एज अ प्रोड्यूसर। देखो ऑनेस्टली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट एंड स्पेशली जब तुम शुरुआत में यूट्यूब वीडियोस देख के सीखते हो तो उसका प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमें एक साथ मिलता है, उसके ऊपर से ये सारा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एक अनऑर्गेनाइज्ड वे से मिलता है। सो पर्सनली मेरे साथ क्या होता था कि कभी मुझे बहुत ही बेसिक लेवल का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बाहर जो कि मैं समझ पा रहा हूँ, बट कभी कभी क्या होता था कि काफी एडवांस लेवल के मुझे वीडियोस दिख जाते थे एंड तब मैं पूरा कंफ्यूज हो जाता था एंड ऑल ऑफ दिस कंफ्यूजन इनडायरेक्टली मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत हैम्पर करता था। दीस थिंग्स लुक सो डिफिकल्ट एंड एवरीथिंग यू नो, बट इन रियलिटी व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर तुम्हें सिर्फ सिंपल चीजें ही सीखना जरूरी है एंड सारे बेसिक नॉलेज को ग्रैस्प करना जरूरी है। तो आज मैं तुमसे ऐसे तीन चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने डिफरेंटली किया रहता अगर मैंने आज म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया रहता। फर्स्टली लिसन टू मोर म्यूजिक। हाँ वैसे तो काफी जनरल स्टेटमेंट ही है बट इससे मेरा मतलब ये है कि तुम जितना म्यूजिक सुनोगे तुम उतना अंडरस्टैंड कर पाओगे साउंड डायनामिक्स को, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, वर्स में वोकल का साउंड कैसा है, कोरस में वोकल टेक्सचर्स कैसे बदल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यूजिक को सुनने के साथ साथ उसके एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना भी सीखो कि आर्टिस्ट ने कौन सा एलिमेंट कहाँ यूज किया है, कब यूज किया है, क्यों यूज किया है। लाइक आई रिमेम्बर पर्सनली मुझे ट्रांजिशंस का मतलब भी नहीं समझता था एंड उसका एप्लीकेशन तो छोड़ ही दो, बट मैंने जितना गाने सुनते गया, जितने गानों को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने कैसा खुद के गानों में ट्रांजिशंस किए और मैं ट्रांजिशंस बनाने में थोड़ा बेटर होते गया। नाउ नेक्स्ट इज यूज रेफरेंस ट्रैक्स। अभी रेफरेंस ट्रैक्स का सिंपल मतलब ये रहता है कि तुम जब भी कोई गाना बना रहे हो वो ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर जॉनर में होगा, बट तुम जब उस गाने को बनाते बनाते कुछ कंफ्यूजन में आते हो तो तब तुम उसी जॉनर का कोई एक पॉपुलर गाना लेते हो जो कि ऑलरेडी रिलीज्ड है एंड तुम उस पर्टिकुलर गाने को यूज करते हो अपने गाने को बनाने के लिए। मोस्टली तो म्यूजिशियंस रेफरेंस ट्रैक्स को मिक्सिंग स्टेज में काफी यूज करता है क्योंकि सीधी सी बात है डिफरेंट जॉनर्स का मिक्स काफी अलग रहता है, एम्फेसिस काफी अलग अलग चीजों में रहता है, तो एक रेफरेंस ट्रैक में बहुत ही एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि फाइनल मिक्स कैसा रहना चाहिए। बट मैं बोलूंगा कि रेफरेंस ट्रैक्स को गाने बनाते समय भी यूज करो। क्या है ना कि जब हम म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करते ना तो हमें थोड़ा आइडिया कम रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या है। सो मान लो कि अगर तुम कोई गाना बना रहे हो एंड उसका ड्रम्स बनाने में तुम्हें काफी दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, सो कुछ भी नहीं करो, शांति से उसी जॉनर का कोई गाना ढूंढ लो एंड उसके ड्रम अरेंजमेंट को थोड़ा कॉपी करने का ट्राई करो। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरी जिंदगी भर दूसरों के गाने कॉपी करते रहो, बट जब तुम शुरू कर रहे हो कॉपिंग इज अ रियली गुड थिंग दैट यू कैन डू टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर ये कंसेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा जो मेरे हिसाब से हर म्यूजिशियन को पढ़ना चाहिए, इट्स कॉल्ड स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। नाउ लास्ट इज की स्टॉप कंप्लेनिंग टू मच। मतलब कि तुम अपने प्रोडक्शन के जर्नी में तुम जितना कंप्लेंट्स करते रहोगे तुम्हारा ग्रोथ उतना ही स्लो होगा। इसका मतलब कि तुम ऐसा अप्रोच मत रहो कि बिकॉज मेरे पास ये प्लगइन नहीं है इसलिए मेरा मिक्स इतना अच्छा साउंड नहीं करता है, या तो मेरे पास अच्छा स्टूडियो नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है। लाइक कंप्लेनिंग माइंडसेट को छोड़ना ना बहुत क्रूशियल अपने ग्रोथ के लिए। पर्सनली अगर मैं एक बात बोलूं ना तो बिफोर इवन स्टार्टिंग म्यूजिक प्रोडक्शन मैं यही रूम जहां पे मैं अभी बैठा हूं मैंने पूरा डिजाइन एंड प्लान कर लिया था कि मैं इसमें कहां कहां कौन सी अकॉस्टिंग लगाऊंगा। लाइक मैंने 100% सोच लिया था कि इसको मैं स्टूडियो में कैसे कन्वर्ट करूंगा एंड कट टू 5 or 6 years लेटर बैकग्राउंड में देख सकते हो अब भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना अकॉस्टिंग एलिमेंट है ना कुछ है, जो इस पॉइंट में मुझे शायद लगा लेना चाहिए, बट स्टिल गाने मैं अभी भी बना रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय मिक्स एंड मेरे वोकल आउटपुट जो भी आ रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो वही है, इट्स नथिंग बट अस ओवरथिंकिंग। हम जब भी कोई नई चीजें स्टार्ट करते ना आई जस्ट बिलीव कि हम बहुत ओवरथिंक करना चालू कर देते हैं एंड कहीं ना कहीं अगर हमने माइंड में ये बिलीव कर लिया ना कि हमारे पास अगर ये नहीं रहा तो अच्छा आउटकम नहीं आएगा तो सबकॉन्शियसली हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते। सो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं मेरे कुछ गाने सुनाता हूँ। ये पहला गाने का नाम है धुंधली हवा। धुंधली सी हवा चली संग लेकर मुझे एंड मेरा एक दूसरा गाना लगाता हूँ उसका नाम है हसीन। रॉक ऑन के गाने जैसे मुझे लगते हैं क्यों हसीन, अभी तक मैं सोचा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, अभी तक क्या से क्या सपनों से आ चुका हूँ।
सो एनीवेज दोनों गाने में तुम भी सुन सकते हो कि जमीन आसमान का डिफरेंस था। जहाँ धुंधली हवा में वोकल्स उतने उभर के नहीं आ रहे थे, थोड़े दबे दबे से लग रहे थे, सेकंड सॉन्ग में मेरे ही वोकल्स रिकॉर्डेड इन द सेम स्पेस इन दिस बेडरूम, बट कितना खुला साउंड कर रहा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को अपनी एक स्पेस मिल रही है, एंड इट जस्ट साउंड्स मच बेटर। इट्स नॉट अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट यू हैव, इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसे अपने स्किल्स को अप्लाई कर रहे हो एंड जो भी तुम्हारे पास है उन सभी चीजों से तुम कैसा बेस्ट आउटकम देने का ट्राई कर रहे हो। सो एनीवे होपफुली दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड ऑनेस्टली दीज थ्री आर द बिगेस्ट थिंग दैट आई विश कि मैं बदल सकता था जब मैंने शुरू किया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कमेंट सेक्शन में जाओ, लिख दो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब देना भी मत भूलना। आई गेस आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।